love India. Like, I'm going to say that I love the Indian culture since it's, like, so close to ours. I love Indian places. All the Indian cities, they're just beautiful. So I would love to visit India. Like, even as a kid, that was one thing I really wanted. सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है. अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है. जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है. शादियों वगैरह पे इंडियन कल्चर किए जा रहे, फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर. इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते. हाँ, बिल्कुल. और कुछ ऐसी रस्में भी हैं जो हम लोग इंडिया की, वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं. इसमें भी है शादियों पे बेसिकली ज़्यादा. जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना. देखिए, हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता. आई हैव लॉट्स ऑफ लव फॉर इंडिया. Not all Pakistanis can say that, but I can because it's like basically my childhood, Indian everything. Oh, इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जो है ना वो जे जे ही हो रही है हर जगह. राइट, हम बहुत सारे ऐसे इंडियन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अपनी वोकैबुलरी में आजकल. अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं. उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो. मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की. एन इंडियन इज एन इंडियन फॉर हर कोई अडॉप्ट करता है ना. देखिए, हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता. जो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं. तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है. इस टाइम दुनिया में वो माने जा रहे हैं, हर मतलब है कि हर काम में माने जा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे टूरिज्म हो, कुछ भी हो. इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जो है ना वो जे जे ही हो रही है हर जगह. क्या वजूहत है कि पाकिस्तान ने भी उनके कल्चर को कॉपी किया है? हम अपनी शादी ब्याह में हर जगह पे उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया का है. असल में हम उनका आधा कल्चर अपनाते हैं, आधा नहीं अपनाते हैं. जो हमें अच्छा लगता है, जो इजी होता है वो हम अपना लेते हैं. जो एंजॉय के लिए होता है और मजहब से रिलेटेड भी नहीं होता वो हम अपनाते हैं. वो हम अपनाते हैं, और जो नहीं अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाते हैं. जैसा कि देखे ना, हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं. ठीक है, हमें तो एज ए मुस्लिम इस चीज़ का ज़्यादा एहतियात करना चाहिए. ठीक है, तो वो चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते जो. और वो दूसरी बात है कि हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते. ठीक है, अब ये कल्चर भी हम अडॉप्ट नहीं करते. हम वहाँ उनके जो गलत कल्चर है सारे अडॉप्ट करते हैं, जो उनके रियल अच्छे कल्चर है जो दुनिया को पसंद आते हैं वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर मशक्क़त करनी पड़ती है, उसको में किसी को एक्सक्यूज़ करना पड़ता है, किसी को सॉरी करना पड़ता है, और किसी की मतलब इज्जत करनी पड़ती है. तो ये हम और वो मेहनत करते हैं और हम शॉर्ट टर्म मांगते हैं. हम जब से पाकिस्तान बने हम कहते हैं रातों रात हम सब अमीर हो जाएं, बस रातों रात हमारी हुकूमतें आ जाएं, रातों रात ही हमें सब मिल जाए. हमें दुनिया से, हम दुनिया बाहर भी जाते हैं ना, हम दूसरों को लूटने के लिए जाते हैं, कमाई करने नहीं जाते. यहीं से जेन बनाते हैं, वहाँ जाएंगे दुबई में, वहाँ किसी शेख की बच्ची पसाएंगे, उससे शादी कर लेंगे, सारा माल ले आएंगे. ठीक है, अगर इंग्लिस्तान जाते हैं वहाँ भी कहते हैं जाके मेम फंसाएंगे तो वहाँ उसका सारा माल ले आएंगे. और हिंदू कल्चर ये नहीं है, वो कहते हैं वहाँ जाके भी वो अपने कल्चर में रहते हैं, वो अपनी ही लड़कियों से शादियाँ करते हैं. पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान में भी अपनी लड़कियों से शादी करना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि बाहर वाली आ जाए तो अच्छा है, तो बाहर जाके कैसे करेंगे. इधर ही आप रहिएगा, अभी थोड़ा सा आगे आइएगा. क्या ये सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मच इंडियंस मच बेटर देन पाकिस्तानी? क्या हिंदुस्तानी जो है वो हमसे बेहतर है? नहीं, असल बात जो है ना, हम जो पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़्यादा मुसलमान तर है. मुसलमान का जो कल्चर है हमने उससे वो छोड़ दिया. असल बात ये, मुसलमान का क्या कल्चर? मुसलमान की जो ये इधर जो रिश्वत खोरी होती है, इधर ये जो प्राड होती है, जो खुलखोरी होती है, अगर हम सब ने ये छोड़ दिया, अपना ईमान के तलब किया, अपने दीन के तलब किया, तो हमारा मुल्क भी कल्चर थोड़ी है ये, मतलब नहीं ईमानदारी है ना, ईमानदारी है. कल्चर की बात करें ना, आज तक पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि कल्चर होता क्या है. कल्चर अलग बात है, ईमानदारी अलग बात है. हम जो ईमानदारी आएगा तो हमारा मुल्क इससे तरक्की करेगा. एक कल्चर मल्चर पीछे रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी अच्छी चीज़ है. एक कंट्री का कल्चर होना और वो कल्चर पूरी दुनिया में जाना जाना कितना ज़रूरी है. वो तो सही है, वो दिखाना. जब हम ईमानदारी से काम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने कल्चर दिखाएगा. ये नहीं है कि पैसे जो पैसे हैं वो ले रहे हैं. तो तालीमी निज़ाम में कुछ वो है भी कि हमारा दुनिया तालीमी निज़ाम माने ही है, फारिग है बिल्कुल? हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल फारिग है, क्योंकि लोगों को गुलाम बना दिया हुआ है. बेसिकली जो हमारे सिलेबस हमें दिया जाता है वो लकीर का फ़कीर बना देते हैं.
हमारे बच्चों को रट्टा सिस्टम दे के लकीर का फकीर बना देते हैं, उसी पे बस कंटिन्यू करते रहो। उससे एक्स्ट्रा अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, टीचर जो जो चीज़ ए टू जेड नहीं लिखी ना, टीचर उसको क्रॉस कर देती हैं कि आपने ये ए टू जेड नहीं लिखा। पड़ोसी मुल्क का जो सबसे बहुत बेहतर काम कर रहा है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वो जो वहाँ के जो गूगल का CEO है ना, वो भी बेसिकली वहाँ से ही हैं, इंडियन ही हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो मैंने देखा है। हमारे यहाँ अगर किसी के पास ऑनलाइन से, मैं भी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, मुझसे अगर कोई पूछे, मैं उसको गाइडलाइन देती हूँ, मैं उसको वे तक बता के हर चीज़ में जितना हो सकता है हेल्प आउट करती हूँ। लेकिन हमारे में मैंने ये देखा था, जब मेरे फ्रीलांसिंग में आने से पहले अगर कोई हमारे फैमिली मेम्बर्स कोई कर रहा था दूर से, उनसे पूछते थे कि आप किस तरह से अर्निंग कर रहे हो, नहीं हमारी कोई अर्निंग नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, ये तो कर ही नहीं सकते। हमारे कंट्री में हम किसी को अपने से आगे जाता देख ही नहीं सकते, इसलिए हम पीछे। उनके मुल्क में टेक्नोलॉजी कितनी है, क्या कहती हैं? बिल्कुल, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले सोचा है और फिर वो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी हमारी हुकूमत ने हमें वो रोड